हो जाइए सावधान सतर्क का कि अभी फिलहाल में चल रहा है बिहार विशेष भूमि अधिरक्षण का जो नियम चल रहा है लगातार जारी है और ये जो हो गया है बिहार में स्टार्टिंग हो गया है अब कई जिले में आ चुका है कि भी पटना जिला में आ चुका है। तो आप कैसे अपनी भूमि का संरक्षण कर पाएंगे? आपको लगता था मेरे दादाजी का खेत है कोई इसको हड़प नहीं पाएगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका खेत जो है किसी और का हो जाएगा। कैसे? अगर आपका खेत आपको बचाना है और आगे जिनका खेत है उसको बचाना चाहते हैं चाहे आपका परिवार का हो चाहे आपके रोने से भी ये आपको वापस नहीं मिलने वाला है, तो हो जाइए सावधान का कि बिहार में चला भूमि अधिरक्षण का नियम। और ये क्या है नियम, कैसे काम करेगी, पहले इसको हम जानेंगे डिटेल से कि कैसे हम करवाएंगे अपने जमीन का, हमारे जमीन में क्या लोचा है, क्या हम रसीद नहीं कटवाए थे, क्या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, क्या दाखिल खारिज ना माना है, कैसे होता है, ये सारी चीज हम एक एक चीज को बताएंगे बेहतर ढंग से। इसलिए वीडियो को तनिक भी स्किप नहीं करिए ताकि आपकी संपत्ति का चीज है, ठीक है ना, ये पढ़ाई का चीज तो नहीं, ये सबसे बड़ा आपका संपत्ति संजोग के रखते हैं, बटोर के रखते हैं, नून रोटी खाते हैं लेकिन जमीन इकट्ठा खरीदते हैं, लेकिन वही इकट्ठा जमीन किसी और का होना जाए तो आपको नहीं होने देंगे। जब मैं हूं तो आपको डिटेल तरीका से बताऊंगा, आपका जमीन आप ही को होगा। अभी भी हो जाइए दम सावधान, जो गलतियां उसको जल्दी सुधरवाइए, समय बहुत कम है, बहुत समय कम कितना है वो भी बताएंगे इसमें। देखिए स्टार्ट करते हैं, जमीन का विशेष जानकारी भी प्राप्त करिए जो अभी चल रहा है। पहले एक होता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्या होता है, जब कोई आदमी खेत खरीदता है तो जो बेचता है उससे क्या करता है, रजिस्ट्री करवाता है। एक होता है बेचे वाला, बेचे वाला का हम लोग कहते हैं विक्रेता और खरीदे वाला के कहते हैं क्रेता। जो कोई सामान बेचता है उसको विक्रेता कहा गया और जो कोई सामान खरीदता है उसको क्रेता कहा गया। खरीदे वाला को क्रेता और बेचे वाला के विक्रेता, बेचे वाला के विक्रेता, खरीदे वाला को क्रेता कहते हैं। तो विक्रेता जब अपना खेत को बेच देता है तो शुरुआती बार में हम लोग रजिस्ट्री करवाते हैं, सिर्फ करते हैं रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री करवाने से आपका खेत बिल्कुल नहीं होगा, कतई आपका खेत नहीं है। कोई भी इंसान जो होता है गांव के लोग कहते हैं रजिस्ट्री करवा ले लेना खेत, तो अब हमारे बिल्कुल ही आपका खेत नहीं है। रजिस्ट्री जिनका जिनका है मेरे भाई उनका खेत हाथ से धोना पड़ जाएगा, इसलिए ध्यान रहे रजिस्ट्री से खेत आपका नहीं होता है। रजिस्ट्री है क्या, रजिस्ट्री एक नामांतरण का एक डॉक्यूमेंट है यानी प्रमाण पत्र है कि हम अपना खेत किसी और को दे रहे हैं। ये सिर्फ ऑनरशिप होता है, क्या होता है ऑनरशिप, मैंने एक साझेदारी का एक पत्र है, साझेदारी का एक पत्र जैसे स्टम्प पेपर पे साझेदारी करते हैं ना, किसी को 50 रुपया लेते हैं फिर किसी को देते हैं तो बोलते हैं इतना समय में आपको दे देंगे, तो वैसे ही होता है रजिस्ट्री, कुछ अलग नहीं होता है। रजिस्ट्री क्या होता है, रजिस्ट्री ओनरशिप के ट्रांसफर का एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट माने जो ट्रांसफर करिएगा, माने नामांतरण, नाम का अंतर करिएगा, बदलिएगा, यही खाली होने वाला है। तो रजिस्ट्री में सिर्फ नाम का बदलाव किया जाता है, रजिस्ट्री करवाने में ज्यादा पैसा लगता नहीं है। रजिस्ट्री करवाने में केवल 1% पैसा लगता है, माने जितना का आपका संपत्ति है उसका 1%, मान लीजिए 7 लाख की संपत्ति है तो 60,000 रुपया हो जाएगा, उसी 10,000 का संपत्ति रहेगा तो 1,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। जितना आपके पैसे रहेंगे ना वही आपका, नहीं 1,000 का कितना होगा 10 रुपया, कितना होगा 10 रुपया, तो वही आपका लगने वाला परसेंटेज, इसका लगने वाला परसेंटेज, जितना का संपत्ति रहेगा उतना का 1% ही रुपया आपको रजिस्ट्री कराने में रहेगा। तो रजिस्ट्री करवाएंगे जिसमें आपका सिर्फ ऑनरशिप रहेगा, क्या रहेगा ऑनरशिप। इसमें कभी कभी फर्जी रजिस्ट्री भी हो जाता है। फर्जी रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ही खेत का डबल रजिस्ट्री हो जाता है, एक रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, एक रजिस्ट्री किसी और नाम का है, एक रजिस्ट्री मेरे नाम पर है एक रजिस्ट्री किसी और नाम का, तो डबल रजिस्ट्री होता है, इसको फर्जी रजिस्ट्री भी कहते हैं। इसको ऐसे चेक करेंगे कि जो हम खेत खरीद रहे हैं या फर्जी खेत का रजिस्ट्री हो रहा है या रियल हो रहा है, तो इसके लिए आपको चेक कर लेना चकबंदी 41 और 45 में इसको मिलता है। चकबंदी नाम का एक चीज आता है, पेपर आता है, जाइएगा ना जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ पे चकबंदी चेक करवाइएगा 41 और 45 में आपको यह इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि यह जो खेत है किसी और व्यक्ति के नाम पर तो नहीं ना है, किसी और व्यक्ति के नाम पर वो खेतवा बेचा है और वही खेतवा को फिर कोई आदमी बेच रहा, तो कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा, डबल हो जाएगा ना, डबल मेरा यार, वही डबल वाला यार हो जाएगा, एक खेत का डबल यार कैसे रहेगा। आप समझते हैं एक मेरा रुके एक उपति रहता तो ठीक है, समझ में आया कि ये हुआ, लेकिन ए वो खेत डबल हो गया तो फर्जी ए को निकलता ही नहीं निकलता। सो वैसे ही ए वो खेत है और डबल उसका ओनर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्जी हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फर्जी रजिस्ट्री भी हो जाता कभी कभी। तो फर्जी रजिस्ट्री चेक कैसे करेंगे, चकबंदी 41 और 45 पे चले जाइएगा, वेबसाइट भी सरकारी का है उस पर देखिएगा 41 और 45 पे कि ये खेत किसी और का नहीं ना है, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये तीन को जरूरी होता है चेक करने के लिए, ये तीनों रखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपका फर्जी है या नहीं है।
ये रजिस्ट्री करवाने का बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप दाखिल और खारिज नामा करवाइए। दाखिल और खारिज नामा क्या है? नाम का अंतर। जिसका नाम चढ़ा हुआ था यानी बेचे वाला का नाम पहले से खेतवा पे चढ़ रहता है तो उसका नाम हटवा के और आपका अपना नाम चढ़ाना होता है। समझ में आ रहा है बात? जो खेत बेच रहा है ना उसका नाम हटवा दीजिए और अपना नाम करवाइए। तो इसको विधि को हम लोग कहते हैं दाखिल खारिज नामा। दाखिल खारिज नामा जिसको मोटेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, मोटेशन यानी दाखिल खारिज नामा। उस पर जब मोटेशन करवा लीजिएगा तभी आपका मलकाना हक होगा। मलकाना माने उस खेत का मालिक तब बनिएगा जब आप दाखिल खारिज नामा पर करवा लीजिएगा काम। तो ये कब होता है? जब आप रजिस्ट्री करवा लीजिएगा तो रजिस्ट्री करवाने के बाद 35 से 45 दिन लगभग 35 से 45 दिन मतलब 1.5 महीना का समय लेगा और 1.5 महीना में आपको दाखिल से खारिनामा करवा लेना है। अगर आप दाखिल से खारिनामा नहीं करता है, राजस्व कर्मचारी जो बैठे रहते हैं नहीं करते हैं, तब आप इसका शिकायत डीएम के पास भी कर सकते हैं कि देखिए मैंने खेत खरीदा फन्ना से, अभी ससुराल हमारा कह रहे अच्छे दाखिल खारिनामा नहीं कर रहा है, या तो ज्यादा कमीशन मांग रहा है तो ये मांग रहा है, कुछ भी प्रकार का अगर दिक्कत करती है तो आप डीएम से इसकी शिकायत कर देते हैं। आप डीएम से शिकायत करेंगे ताकि एक जिला का जो मालकाना हक रहता है एक डीएम के पास रहता है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर साहब। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। तो कलेक्टर से ही हम लोग इसका शिकायत कर सकते हैं। अगर ना होगा तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। लेकिन रजिस्ट्री खाली करवा लेंगे और चाहेंगे कि ये खेत मेरा है तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, अगर इसके बाद एक और जमीन होता है 91 जमीन। क्या है 91 का मतलब? है भूमि एकानवे। भूमि एकानवे सरकारी जमीन होता है। घर में जरूरत जमीन का ना तो रजिस्ट्री होता है और नहीं दाखिल खारिज नामा होता है। याद रहे, सरकारी जमीन का ना तो रजिस्ट्री होता है और नहीं दाखिल खारिज नामा होता है। क्या है? क्या जो जमीन है सरकार के, तो सरकार जमीन आपसे बेचे आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि कभी कभी इंसान घर में जरूरत जमीन पे घर बना लेते हैं या घर में जरूरत जमीन को हथिया लेते हैं, घेराबंदी कर लेते हैं, घेर लेते हैं, बहुत सारे उपयोग करते हैं। तो ये ही भूमि आता है 91 में। इसमें आता है मेरे भाई 91 में। 91 भूमि का मतलब क्या है? 91 भूमि का मतलब है कि वह जमीन किसी व्यक्ति का नहीं है, वह जमीन सरकार का है और हम उस पे कब्जाए हुए हैं और उस पे कुछ बनाए हुए हैं। तो ऐसे जमीन को तहसीलदार होता है जब आपको अवैध रूप से जब आप बने ले रही है घर तो उसको तोड़ फोड़ सकता है और इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी पैसा नहीं देगी, एक भी पैसा नहीं देगी। क्या नहीं देगी? क्योंकि जमीन आपका था ही नहीं, जमीन तो सरकार का था और झूठो के आप कब्जा किए हुए थे। तो 91 भूमि का मतलब क्या? 91 जमीन का मतलब होता है कि यह जमीन सरकारी है। सरकार जगह घर के रहता है आगे सरकारी जमीन तो यूज करते रहता है, लेकिन जैया सरकार को जरूरत है वो वाला जमीन तोड़ के ले लेता है, तो सरकारी है। और आपका निजी भी रहेगा तो सरकार है जो जमीन को तोड़ के ले लेगा, जमीन तोड़ के ले लेगा और उसके बदले में आपको कुछ पैसे का भुगतान कर देगा। तो 91 होता है जो सरकारी जमीन होता है, जिसमें तहसीलदार जो होता है अगर अवैध रूप से घर बनाइएगा या किसी प्रकार का हथियाइएगा तो तोड़ के हटा सकता है। ये पहली बात। लेकिन अब भी क्या चल रहा है? अब भी इसी चीज का चल रहा है। बिहार में विशेष भूमि का कार्य चल रहा है। विशेष भूमि कार्यक्रम चल रहा है। विशेष भूमि कार्यक्रम क्या है? इसके तहत सरकार यह जानना चाहती है कि यह जो खेत है किसका नाम से है, कब का खेत है। पहले जो होता था खेत बदले भी हो जाता था। मान लीजिए कि मेरा घर यह राम बाबू है और एक का घर श्याम बाबू का है, तो श्याम बाबू का घर के बगल में एक खेत है और एकड़ वाला खेत जो खेत था यहाँ था, तो ये रखा ये भाई तू ई वाला खेत तू जोत ले और ई वाला तुर खेत जो हम जोत ले, तब धीरे हो खेती उदी करने में काट उटे में फसलों से धीरे है। तो ऐसे बदलाइन भी लोग कर लेते थे। तो इसी बदलाइन के चक्कर में सरकार को सही मायने में टैक्स नहीं पहुंच पा रहा है, सही मायने में टैक्स नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरा क्या हुआ है, जो दबंग लोग हैं बिहार में तो जानते करते कितना दबंग ही होता है, तो कुछ दबंग लोग हैं जो किसी का खेत जो होता है जबरदस्ती हड़पे हुए छीने हुए है, या कोई जो बरियार पार्टी है बंदूक गोली से डरा के गरीब आदमी का छीन लिया है ना। अब ऐसे आदमी का जब छीन लिया तब पे कागजवा से जाके लड़ लेना ना, बिल्कुल। इसीलिए तो कागजवे के लिए तो काम कर रहा है बिहार सरकार कि आप अपना कागज से मजबूत हो जाइए, यानी जो आपका खेत है जमीन है उसका कागज से पूरा बरियार हो जाइए, हाईवी हो जाइए। और जब हाईवी हो जाइएगा तब तो फिर हम हाइए सत्रह के बंबू करने के लिए। तो बिहार में बड़ा दबंग चलता है, किसी का जबरदस्ती छीन लिया जाता है। तो इसीलिए सरकार कर रही है कि अगर आपका दाखिल या खारिनामा नहीं है तो जल्दी करवा लीजिए। पहुंच का जो पहले खेत है वो अदला बदली में है, ये बड़ा दिक्कत है। पहले लोग पुआ पे बदल लेते थे, तो ये सब नहीं चलने वाला। अब ये पूरा पूरा बैन हो चुका है और इसका प्रक्रिया चालू हो चुका है। कई जिला में चालू हो चुका है, पटना जिला में भी फिलहाल चालू हो गया है, अभी बाकी सभी जिला में बिहार राज्य में भी लागू हो रहा है। इसमें क्या करेगा, कर्मचारी खुद आएगा और एक सार्वजनिक बैठक बुलाएगा और खास करके इसमें काम दिया गया वार्ड सदस्य को।
वार्ड सदस्य जितने भी हैं सारा वार्ड अपने वार्ड में जाएंगे और अपने उनके वार्ड के मेंबर को सबको सूचित करेंगे कि फन्ना जगह फन्ना दिन को बैठक है, सब कोई को चलना है। और उस समय जब कर्मचारी आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएगा कैसे कैसे करना है। इसमें एक चीज बनाना वंशावली, वंशावली कैसे बनाना मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपका जो सबसे पहले वार्ड सदस्य है गांव गांव जाएगा, गांव गांव मतलब अपने गांव में जाएगा और अपना वार्ड संख्या में जितने लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि वार्ड नंबर एक, तो वार्ड नंबर एक में 200 है, तो वार्ड नंबर एक का जो मालिक है मान लीजिए दिनेश कुमार है, तो दिनेश कुमार ही पूरा जगह जाएगा वार्ड नंबर एक में 200 घरों में और जाके सबको कहेगा कि 20 तारीख के आ जाइया। कहां जाइया? पुल पर बैठा था, सब कोई चलिया जमीन के जिसका जिसका प्रॉब्लम है चलिएगा। कर्मचारी आएंगे वहां पे और वहीं पे तहसीलदार आएंगे और अपना अपना जो भी प्रॉब्लम है जाके बताइएगा और जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। आप भी दूर करवाइएगा, कोई ज्यादा झमेला नहीं है, ताकि अब भी नियम ही लागू हुआ है लेकिन यह नियम पूरी तरीका सबको समय दिया जाता है और समय के बात करिएगा। जैसे कहते ना कि घाव समय पर ही अच्छा लगता है, ज्यादा खोजते रहेगा नासूर बन जाएगा। तो बहुत देर से सरकार आपको सजेशन दे रही है, नहीं करिएगा तो फिर नासूर बनने वाला है, नासूर का मतलब ठीक ही नहीं होने वाला है। तो इसीलिए वार्ड एक का जैसे मान लीजिए दिनेश कुमार, तो 200 आदमियों को इकट्ठा करने का जाता है काम दिनेश कुमार को। ये दिनेश कुमार ने 200 आदमियों को इकट्ठा करेगा और सबको बताएगा कि चलिए कर्मचारी आए हैं वहां से बात विचार करिए जो प्रॉब्लम है, जो बहुत सारा आदमी का प्रॉब्लम है, हर एक आदमी को प्रॉब्लम है। ताकि सबका जो है ना किन्हीं का दादा के नाम पे है तो उसका बेटा कर रहा है तो कह रहा है दादा के तो खेतवा है, सोचियो जीतिया मत। पहला बात तो रसीद नहीं कट पाया है, पैन कार्ड भीटू पे नहीं चढ़वाया हुआ है उसका, नहीं रसीद कटाया हुआ है। और 10 साल के अंदर अंदर खेती करे वाला जमीन है तो 10 साल के अंदर अंदर, और अगर आपका घर वाला जमीन है तो 5 साल के अंदर अंदर। दम कटाना दम जरूरी ही नहीं, आती जा रही जरूरी है। अगर नहीं कटा तो आप अपना जमीन से हाथ धो बैठिएगा। अगर घर वाला है तो 5 साल में और खेत वाला है तो 10 साल में। दम जरूरी कटवाइए, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। आपका जितना खेत है जैसे मान लीजिए 1 बीघा, तो मुआवजा तय करती है कर्मचारी कि 5 रुपया कट्ठा या 6 रुपया कट्ठा। अब 20 कट्ठा होगा तो 20 पैसे 100 रुपया का लगेगा एक साल के, 5 साल का जोड़ लीजिए 500 रुपया लगेगा। तो पैसा ज्यादा नहीं है लेकिन लोग अस्कताते हैं, है अमर दादा के तो खेतवा कुछ ही हो जाते, अमर दादा के तो ही अमर बाबू की अगली अभी अमर हो जाती, अमर फिर बेटा को जीते। और यहाँ तक सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन गया ही नहीं कि जमीन के मालकाना हक किसका है, मालकाना इसका अभी फिलहाल मालिक कौन है। अब आपके दादा के बाबूजी तो मर गए, तो कब के गुजर गए, तो मालिक है ही नहीं। अब उनके बाद उनका हुआ तो उनका तो नाम अभी नहीं चढ़ा है, उनके बाद आपके बाबूजी का नाम नहीं चढ़ा है, और आपका बाबूजी तक चढ़ा रहेगा और आपके बाबूजी जिंदा रहेगा और आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कह रहे अभी बिहार में विशेष भूमि कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लोग इस बात पे बहुत ज्यादा गौर करिए और जल्दी जल्दी आप जाइए ब्लॉक में, मिलिए कर्मचारी से। और ब्लॉक में नहीं तो अभी बैठक भी चल रहा है। अब वंशावली कैसे बनाते हैं, वंशावली बनाने के लिए अभी सरकार बहुत छूट दे चुकी है, वंशावली सिर्फ सरपंच ही जारी करेगा, ये बात पहला याद रखेंगे। वंशावली जारी करने वाला बस एक ही आदमी है, सरपंच, कोई और नहीं देगा, मुखिया भी नहीं देगा। बहुत सारा आदमी मुखिया से पैर भी लगा लेता है, बिल्कुल नहीं। अब सरपंच से भी पैर भी लगा लीजिए वही अब अच्छा रहेगा, पैर भी तो अब जाहिर करते बिहार है तो बिहार में कुछ भी होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वंशावली बनाना है तो सरपंच के पास जाना है, सरपंच के पास जाइएगा तो बस एक चीज लिखिएगा, जैसे आप अपने दादाजी का नाम लिखिए, जो दादाजी का नाम है, दादाजी के जितने बेटे हैं उनका नाम लिख दीजिए। जैसे दादाजी के 2 बेटे हैं तो दोनों के नाम लिख दीजिए, फन्ना जी है आई ने फन्ना जी है, ठीक है। अब फन्ना जी के भी कुछ बेटे होंगे, फन्ना जी का मान लीजिए आपके चाचा के 3 बेटे हैं तो तीनों बेटा का नाम दे दीजिए, बेटी है तो बेटी का भी नाम दे दीजिए, ठीक है। और आपके पिताजी के भी बेटे हैं तो उनका भी नाम दे दीजिए, अगर इनका बेटा का भी बेटा हो चुका है तो इनका भी नाम दर्शाइए, इनका बेटा के बेटा हो चुका है तो नाम दर्शाइए, अगर आपका भी बेटा हो चुका है तो आप भी अपना नाम दर्शाइए। और ये सारा दर्शा के दादा से ऊपर परदादा के नाम दे देगा तो और अच्छा रहेगा, ताकि आपका जो चेंज करवाने होगा जमीन नाम जो चेंज करवाइएगा उसमें और बड़ा आसान रहेगा। तो परदादा के नाम, दादा के नाम, बाबू के नाम, चाचा के नाम, फिर अपना भाई के नाम, उसका बेटा का नाम दे दीजिएगा, बेटा तक दे दीजिएगा, तो वंशावली बना रहेगा। और वंशावली ये बन जाएगा तो फिर बड़ा काम करेगा। यही वंशावली से ही अभी जो होगा दाखिल और खारिज नामा होगा। पहला बात याद रखिएगा कि दाखिल और खारिज नामा किसके द्वारा होगा, तो वंशावली इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि सरकार को यही तो नहीं पता है कि फन्ना के वंश कौन है, कहते ना हरिया के वंश, तो हरिया के वंश कौन है, तो यही तो पता लगाना है कि केकर वंश कौन है। तो वंशावली बनाना पड़ेगा, ये आपको बना के देगा सरपंच। अच्छा, इसमें पैसा नहीं लगना, हरियाणा नहीं एकदम बहुत हरियाणा, इसमें ये होने वाला
पैसा अभी फिलहाल बहुत ही नहीं लगने वाला है। बंसावली में आपको पैसा नहीं लगेगा। अभी जो जमीन का जो विशेष कार्यक्रम चल रहा है इसमें भी पैसा उतना नहीं लगने वाला, बहुत कम में हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कराते हैं ये साल यानी 2024 में अगर आप नहीं करवाते हैं और 2025 में कराते हैं तो आप कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाएगा, आपका चप्पल घिर जाएगा, आपका जीवन घिर जाएगा। लेकिन इसका जो समस्या होगा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आखिर में यह होगा कि सरकार एक जो होगा उस पे लगा देगी धारा 144 और फिर आप 144 लगा देगा तो आप घूमते रहिए, कोर्ट का चक्कर काटते रहिए। पता है ना लड़ाई झगड़ा वाला जमीन में 144 ही लगाया जाता है। 144 ITC सेक्शन लगा देगी कोर्ट और फिर आप घूमते रहिए, सुमरते रहिए, फिर आपका होने ही वाला ही नहीं है। तो आप लोग को ये विशेष जानकारी जरूरी था, आप लोग को ये जानकारी प्राप्त हो चुका है। कैसे होगा सब कुछ मैंने बताया। रजिस्ट्री कुछ नहीं होता, रजिस्ट्री सिर्फ एक ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट्स है। दाखिल और खारिज नामा दम करवाना जरूरी है, 35 से 45 दिन में होना चाहिए। अगर नहीं हो पाता तो 90 दिन के आसपास तक आपको इंतजार करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कंप्लेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दम आराम से कंप्लेन करिए, वो होना चाहिए। अगर ये होगा तभी आप मलकाना हक मिल पाएगा। और जैसे जैसे भी चल रहा है, जहां जहां बैठक चल रहा है, अपने गांव का हरेक गांव में लगेगा। ये जरूरत नहीं है अपने गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाइए, बिल्कुल नहीं। अपना जिला में रहिए, अपना गांव में रहिए और आपके गांव में एक बैठक बुलाया जाएगा और उस बैठक में जाके भाग लीजिए। और क्या क्या आपके जमीन में घट रहा है, रसीद नहीं कटा है, मोटेशन नहीं हुआ है, या कब से पैसा नहीं दिए हैं, कब से वीटू रजिस्टर पे नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारा के सारा आप लोगों को करवा लेना है बहुत जल्दी। अगर नहीं करवाएंगे तो आप अपना जमीन से हाथ धो बैठेंगे। अगर